हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द सैंड, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है जहाँ पर कुछ लोग समंदर के किनारे पार्टी बना रहे थे, लेकिन उनके साथ में जो होने वाला था वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो वीडियो शुरू होने से पहले हम मूवी के कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: मार्शा, काइली, मिच, जोना, रोनी, चांडा, वांस और गिलबर्ट। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे टीनेजर्स समंदर के किनारे यानी कि बीच पर पार्टी कर रहे हैं, और यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ चल रहा है, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह वगैरह। और फिर मिच सभी लोगों के सेलफोन्स लेकर उन्हें एक बैग में डालकर कार की डिक्की में डाल देता है, कि ताकि कोई भी पार्टी के वीडियोस या फिर फोटोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर न करें। फिर हम देखते हैं कि गिलबर्ट एक अजीब सी बड़ी सी बॉल को समंदर के किनारे से उठाकर ले आया है, जिसके बाद में यहाँ पर फिर से पार्टी एनिमल्स अपनी पार्टी में बिजी हो चुके थे। गिलबर्ट को पार्टी के दौरान बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी, और इसीलिए उसके फ्रेंड्स उस पर प्रैंक कर रहे थे। फिर पूरी रात ऐसे ही पार्टी चल रही थी, और फिर अगली सुबह जब काइली और मिच की नींद खुलती है तो देखते हैं कि वो एक लाइफगार्ड डेक पर हैं, और वे दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं कि पार्टी में मौजूद सभी लोग गायब थे और बस कुछ ही लोग यहाँ पर मौजूद थे, जैसे कि जोना, चंदा, वांस और रोनी अपनी कार में थे। मार्शा रात को इतनी ज़्यादा नशे में थी कि उसे पता ही नहीं था कि उसके कपड़े कहाँ पर है, और वो बिना टॉप के ही एक टेबल पर लेटी हुई थी। गिलबर्ट, जो कि रात को बहुत ज़्यादा नशे में था, उसे किसी ने एक कचरे के डब्बे में डाल दिया था, और गिलबर्ट अभी भी सो रहा था। फिर केली नोटिस करती है कि एक परिंदा जैसे ही रेत पर उतरता है वो रेत में फंसता जाता है, और ये रेत उसे अपने अंदर समा लेती है। मार्शा की अब नींद खुल चुकी थी और उसकी बॉडी पर टॉप नहीं था, और उसे अपना टॉप रेत पर पड़ा हुआ नज़र आता है, और वो उसे बस उठाने ही जा रही थी कि तभी केली मार्शा को वार्न करती है कि रेत में कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर कदम ना रखे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, मार्शा का पैर रेत में फंस गया था जिससे वो निकाल ही नहीं पा रही थी। सभी लोगों को ये एक मजाक लग रहा था कि मार्शा मजाक कर रही होगी, और फिर वेंस उसके नज़दीक जाने की कोशिश में खुद ही रेत पर पैर रख देता है, और वो भी वहाँ पर फंसता चला जाता है। वेंस मुंह के बल रेत पर पड़ा हुआ था, और रेत में से कुछ अजीब बाहर आ रहा था जो कि वेंस को जकड़ लेता है, और फिर वो धीरे धीरे उसके चेहरे को रेत में खींच लेता है, और वो खुद ही पूरा के पूरा रेत में धंस गया था, जैसे कि रेत ने उसे निगल लिया हो। और मार्शा भी ठीक इसी तरह रेत में समा चुकी थी। यहाँ पर जो लोग कार में थे वो कार को स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रात भर कार की लाइट ऑन रखने के कारण कार की बैटरी डाउन हो गई थी, और इन सभी के फ़ोन एक दूसरी कार में थे, और ये सभी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। फिर केली रेत पर अपना हाथ ले जाकर देखती है, और वो नोटिस करती है कि रेत से कुछ अजीब सा बालों जैसा बाहर आ रहा था। अब गिलबर्ट की भी नींद खुल गई थी, जो कि एक कचरे के डब्बे में बंद था। उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और वो भी बाहर आने की कोशिश में था, लेकिन सभी उसे ऐसा करने से रोक देते हैं, और गिलबर्ट की तरह सभी अपने अपने जगह फंसे हुए थे। केली और मीच आपस में बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये रेत इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई, क्योंकि रात को ये सभी रेत पर थे और सुबह ये रेत इतनी खतरनाक हो गई। बीच पर बहुत ही तेज़ धूप पड़ रही थी, और केली को एक सनस्क्रीन मिलता है जिसे वो चंदा को दे देती है ताकि उन लोगों की स्किन सूरज से बची रहे। जिसके बाद सभी को एहसास होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो मार्शा और वेंस की ही तरह रेत के द्वारा मारे गए होंगे, और गिलबर्ट ये नोटिस करता है कि जिससे वो बॉल समझकर रात को लेकर आया था वो असल में एक बड़ी सी अजीब चीज़ थी, और वो टूटी हुई थी। केली समझ जाती है कि ये शायद एक अंडा है जो किसी जीव का था, और ये जीव अब रेत के नीचे है जो कि लोगों को खा रहा है, और अगर ये जीव सिर्फ एक दिन में इतना बड़ा हो गया तो न जाने कितनी जल्दी ये बढ़ेगा। फिर केली एक हॉट डॉग को रेत पर फेंकती है, और वो झट से रेत में समा गया था। फिर मिच इस हॉट डॉग को दूसरी ओर फेंकता है ताकि वो ये जान सके कि ये जीव कितनी दूर तक फैला हुआ है, लेकिन यह जीव अभी छोटा था और ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि ये सभी इस रेत के पार कैसे जाए। फिर जोनस अपना दिमाग लगाकर दो सर्फ बोट को एक साथ रेत पर रख के आगे बढ़ने की सोच रहा था, और वो लगभग ऐसा करने में कामयाब हो ही रहा था, लेकिन उस रेत में सर्फ बोर्ड फिसल रहा था जिससे कि जोना रेत पर गिरते गिरते बचता है। लेकिन रेत के अंदर से वो टेंटेकल्स जोना की बॉडी को टच कर लेते हैं, जिससे कि उसके पेट पर घाव हो गए थे। जोनस को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसके पेट के घाव बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे थे क्योंकि उन टेंटिकल्स में जहर था।
लेकिन जोनस सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लाने में कामयाब हुआ था। वो सभी की ओर ड्रिंक को फेंकता है, लेकिन उसके खुद के पेट में घाव फूट रहे थे और धीरे धीरे रेत के अंदर का जीव और ताकतवर हो रहा था। वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया था कि उसने कार के टायर्स ब्लास्ट कर दिए थे कि ताकि कोई भी यहाँ से भाग न पाए। फिर हम देखते हैं कि जैसे तैसे रोनी कार के बम्पर तक पहुँचने में कामयाब हो गई थी, लेकिन कुछ पकड़ने का न होने के कारण वो उसे खोल नहीं पा रहे थे। केली और मिच रोनी को पकड़ने के लिए स्टिक देते हैं ताकि वो बम्पर खोलने में कामयाब हो पाए, लेकिन वो सडनली फिसल जाती है और वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और रोनी का हाथ ही बम्पर में फंस जाता है। फिर पास से एक पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग के लिए निकल रहा था, जिसे सभी आवाज़ लगाकर बुलाते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन वो ऑफिसर इन सभी की बातों को नहीं मानता और वो कहता है कि शायद उन्होंने रात को ज़्यादा ड्रग्स ले लिए। वो ऑफिसर रेत पर उतरकर आराम से चल रहा था और उससे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने बड़े बड़े बूट्स पहन रखे थे। फिर तभी उस पुलिस ऑफिसर की जेब से उसके कार की चाबी रेत पर गिरती है और उसका हाथ रेत की चपेट में आ गया था। वो उससे बचने के लिए रेत पर पेपर स्प्रे करता है, लेकिन उसका हाथ ही रेत खा गई थी और धीरे धीरे वो भी रेत में समा चुका था। अब मिच ये सोचता है कि अगर वो अपने पैरों में स्लीपर पहन ले और रेत पर चले तो शायद वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा करने से पहले वो ही रेत पर फिसल जाता है और मिच को भी रेत अपनी खुराक बना लेती है। अब सभी लोग टूट चुके थे और उन्हें लग रहा था कि वो अब नहीं बचेंगे, लेकिन केली सबका हौसला बढ़ाकर उनके पास पहुँचती है और वो सबसे पहले रोनी का हाथ कार के बम्पर से बाहर निकालती है और गिल्बर्ट को बाहर आने को भी कहती है। गिल्बर्ट कचरे के डब्बे में काफ़ी देर से फंसा हुआ था और अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सभी गर्ल्स जैसे तैसे जोनस के पास पहुँचती है, लेकिन रोनी रेत पर फिसल जाती है और उसे भी रेत गायब कर देती है। फिर चंदा अपने दोनों पैरों में टॉवल को बांध लेती है और रेत पर भागकर उस पुलिस ऑफिसर की कार तक पहुंचती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि गिल्बर्ट को कचरे के डब्बे में से ही वो रेत अपना शिकार बना लेती है और जो भी रेत के पीछे था वो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। फिर जैसे तैसे शाम ढलती है और बचे हुए थे बस चंदा, कायली और जोनस। चंदा को पुलिस ऑफिसर की कार से एक राफ्ट मिलता है जिसमें ऑटोमेटिक हवा भर जाती है और वो केली और जोनस को उसमें बिठाकर कार में बुलवा लेती है। ये सभी लोग यहाँ पर रेत से निकलने ही वाले थे कि एक बड़ा सा चमकीला जीव बाहर आता है जो कि पूरे दिन भर रेत के अंदर छुपा हुआ था। वो जीव सभी लोगों को मारने वाला था कि तभी केली अपनी हिम्मत दिखाकर उस पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देती है, जिससे कि उसका एक टेंटिकल जल जाता है और ये तीनों अब यहाँ पर कार में सेफ थे। वे सभी कार में ही रात बिताते हैं और सुबह उसके पास एक सर्फर आकर उन्हें जगाता है। वे सभी जमीन पर अपना कदम रखते हैं और अब सब कुछ सेफ था, लेकिन जोनस उस जीव के जहर के कारण नहीं बच पाया था। और मूवी के लास्ट सीन में हम बड़ी सी जेलीफिश को देखते हैं जो कि पानी के रास्ते किसी और बीच की तरफ बढ़ रही थी, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी में कुछ हुआ ये कि कुछ यंगस्टर्स एक ब्रिज पर पार्टी बनाने गए थे जो कि बहुत दूर दराज में था। ये एक सीक्रेट पार्टी थी और इसीलिए मिच ने सबके सेलफोन्स को लेकर गाड़ी की डिक्की में डाल दिया था। यहाँ पर सभी इतने ज़्यादा ड्रंक थे कि कुछ लोग समंदर के किनारे एक गोल सी चीज़ को उठा लाए थे जो कि एक अंडा था, और ये अंडा एक मॉन्स्टर जेलीफिश का था। और जेलीफिश तो ऐसे ही खतरनाक होती है। ये जेलीफिश का बच्चा धूप से बचने के लिए रेत के नीचे छिप गया था, लेकिन ये रेत को छूने वाले सभी लोगों को एक एक करके खा गया था। जो लोग रेत पर नहीं थे बस वही बचे थे। और फिर रात होने पर यह मॉन्स्टर सबके सामने आया और केली ने इसे घायल कर दिया, जिससे कि ये वापस समंदर में चला गया। और अगर एक दिन का जेलीफिश इतना ज़्यादा खतरनाक था तो उसकी माँ कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। खैर दोस्तों, यह था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।